तिरंगे में है, तिरंगे में कितनी मारी है? नहाए हुए का फोन आया। हाँ, बोला आपकी वीडियो बनाने कितने पैसे दोगे? मैं दुकान में चलो बच्ची हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जैसे कि आप, मेरा प्लान बना था चांदनी चौक इधर उधर जाने का, मगर अभी वहाँ नहीं जा पा रहे। और तो हमने सोचा है, मेरे जो अंकल है जिनके साथ हमने प्रैंक किया था, अंकल हाय करो। हाय। और ये विनय और ये कज़न पीछे बैठा हुआ है। तो गाइज, अभी माइक की दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी मैं माइक लाना भूल गया हूँ, क्योंकि भाई जल्दीबाजी में हमने व्लॉग स्टार्ट कर दिया आज का, एकदम से प्लान बना। तो आज हम नजफगढ़ पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो वहाँ की काइट, जो खाना हो गया, जो सब कुछ आज दिखाने वाला है इसी व्लॉग में। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस, फाइनली अभी हम यहाँ पर मतलब आ चुके हैं अंदर। तो अभी हम स्ट्रीट में आगे अंदर जा रहे हैं, तो मुझे तो पता नहीं है कहाँ है। तो गाइस, फाइनली अभी हम मेन मार्केट में आ चुके हैं। तो आपको सब दिखे है पीछे। तो अभी पुराने लोकेशन पे भी जा रहे हैं, जहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है, पतंग वतंग सब कुछ। तो आज पूरा एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं। जो समन में रहता जो, हाँ हाँ, वो क्या नाम है उसका, पतला सा, वो कौन नाम तो है, आदित्य है? क्या नाम है? अरे क्या नाम है, दोनों जोड़वा भाई है? ना, भाई नहीं है, भाई है, अरे वो उससे भी अलग होता है, जो काट देता है उंगली। हाँ, तो कहीं नहीं मिलेगा वो, वही तो चाहिए था। मैं ना भाई, छापे लगते हैं पुलिस के उससे, इसलिए रख ली तो पक्का लगेगा। वो मोटरसाइकिल वाले कट गए थे गले के। हाँ, फ्लाईओवर पे। हाँ, एक पश्चिम बिहार भी कटा था ऐसे ही, कटे तो 12-13 निकाला अभी तो नहीं सुना थोड़ा सा। अच्छा, ये कौन सी क्वालिटी है? ये सही है, डील का है। अच्छा, मान जाए पांच होता है इसके ऊपर, उंगली तो ये भी काट देगा, पर उसको पांच भी नहीं था, ना थोड़ा बहुत तो होता ही है भाई, उसके बगैर तो कटेगी। और रख के तेरे पास क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का 300 रुपए का पूरा। ये पूरा कितने इसमें होती है? निकाल भी दिया ना माल इसमें से, रील कितनी होती है इसमें? एक रील होती है, पूरी एक रील होती है। कितने मीटर की होती है? 1000 गज की होती है। 1000 गज बहुत होता है भाई, पूरा फुल मजा ले ले 1000 गज। और अरे 1000 इतना है, 1 किलोमीटर से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा होता है भाई। और कोई बड़ी, जहाँ मैं गया था पतंग वतंग लेने, तो वहाँ कुछ ज्यादा कुछ अच्छा मिल रहा है, क्योंकि चाइनीज में सब कुछ बंद कर चुके हैं। तो प्लास्टिक कांच वास कुछ नहीं मिलेगा आपको, जो भाई देख के आना, अगर आना तो अभी दूसरी जगह जा रहा है सोम बाजार की तरफ, तो वहाँ चल के देखते अभी। तो अभी यहाँ पर पी रहा है शिकंजी, तो शिकंजी पीते पहले।
अभी जहाँ से अभी हम यहाँ से अभी हम ले रहे हैं ताज़ी ताज़ी बर्फ़ी जो अभी अभी बनी है जस्ट, तो अभी उसको लेंगे और टेस्ट करके बताते हैं। टेस्ट मना घर जाके टेस्ट करेंगे, अभी देखते हैं क्या करते हैं। अभी अंकल अगर खाने के लिए ले रहे हैं तो खा भी लेंगे यहाँ पर। तो भाई बता, मज़ा आ रहा है घूमने में एकदम भाई? कैसे लग रहा भाई? भीड़ी भीड़ है भाई, ऐसा लग रहा है छोटा चांदनी चौक है भाई। सही बता रहा, चांदनी चौक के बाद अगर सेकंड मार्केट देखा जाए अगर तुम्हें सामान खरीदने के तो ये है, यहाँ पर आके तो सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ से शाम बाजार जा रहे हैं ना भाई, सोम बाजार जा रहे हैं। तो वहाँ पर अभी लेंगे भाई इंडिया की, मतलब अभी तक की चांदनी चौक के बाद अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट काइट लेने वाला है, अगर मिल जाए तो सही है। मैं कम से कम नहीं, यहाँ पर अभी हमने 2 किलोमीटर चल चुके होंगे और फिर हम यहाँ पर अभी शाम मजा। 3 घंटे पहले धूप लगानी है, मान जाए वो आपने उड़ाने से पहले 3 घंटे धूप लगानी है, मान जाए उसके बाद उड़ानी है। कटाई कैसी है पतंग की? मान जाए दूसरे मानने की, इससे मैंने प्लास्टिक की डोर काटी भी, उसकी पतंग भी लपेट के लाया हूँ। आप पे सबसे बड़ी पतंग कौन कितने की है? वो है 140, 3 फुट ऊंची, 3 फुट चौड़ी, 3 फुट। देखना कल दिखाना भाई, दिखाना ना बच जाएगी, कोई बच जाएगी, एक ले लेंगे। इतनी बड़ी तो चाहिए तुम्हें, 3 तीनों ले ले। ना ना तीनों नहीं, तिरंगे में है, तिरंगे में इतनी बड़ी, इतने बड़े में तिरंगे में नहीं है। वही तो बस पहुँच जाए सही सलामत, पहुँच जाए। येल्लो वाली दिखाना भैया, उसके पीछे जो येल्लो वाली, पहले मांझा सेलेक्ट करो, मांझा सेलेक्ट कर लो भाई, तुम्हें ही लेना है भाई। तो हट फिर लेना, कर दो फिर मैं लूंगा बाद में। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आना है तो यहाँ पर मनोज पतंग हाउस करके है, तो उसके नीचे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर सबसे बड़ी पतंग भी मिल जाएगी, उसके बाद वहाँ पर एक से छोटी पतंग है, तो सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर अंदर, पूरा भर रहा है फैक्ट्री टाइप का। तो अभी हम यहाँ से मांझा बनवा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मनोज पतंग हाउस वाला है, तो उसके नीचे ही पूरी दुकान है, तो मतलब यहाँ पर हम पूरी भीड़ भीड़ है, मतलब बहुत आते होंगे अंकल, बहुत आते होंगे ऐसे। अरे मेरे पास लेट का फोन आया, हाँ बोला आपकी वीडियो बनाने के कितने पैसे दोगे? मैं दुकान में चलो मची हूँ मैं देख लेता हूँ पैसे बनाने, वीडियो बनाने के आपको। अरे बहुत पुरानी है, बात पुरानी की नहीं है यार, पता क्या होता है ये भी हम यहाँ से पतंग लेके आ चुके हैं, देख चुके हैं पूरी रात हो गई, हम टोटल आए थे 3-4 बजे तक आए थे और यहाँ पर पूरी रात हो चुकी है। तो गाइस अभी मैं कुछ ज़्यादा दिखाने है, क्योंकि मैं सोचा पतंग के कलेक्शन की वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो अभी यहाँ पर अभी हम यहाँ पर आए बटर चिकन मोमोज खाने, क्या बटर पनीर मोमोज गलती से बोल दिया था, तो पीछे भी है, खाओ भाई खाओ भाई साहब इतने बेहतरीन। ये देखो इसका पनीर है, ये रहे पूरे बटर से नहाए हुए। एक नंबर भाई, अंकल बहुत अच्छी चीज खिलाई आज, बहुत अच्छी चीज खिलाई आपने, ये बेहतरीन और अल्टीमेट मोमोज है पूरी दिल्ली में। कुछ बताओ कहाँ पर? नजफगढ़ में है, मेन रोड पे, मेन रोड पे आपको मिल जाएगा। किस नाम से? बटर मोमोज क्वालिटी फूड, बटर मोमोज क्वालिटी फूड के नाम से मिल जाएगा। इससे बेटर मोमोज पूरी दिल्ली में नहीं है। वैसे ही बता रहा कि एक प्लेट हमने मंगवाया है, उसके बाद आधा प्लेट मेरा भाई और ये मंगवा रहे हैं, फिर इसके चाउमीन भी ले जा रहे हैं, तो चाउमीन जाके देखते हैं। तो वैसे अभी पतंग का तो स्टॉक बहुत ज़्यादा हो गया है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। एक थी 6 फुट वाली, हमने वो ली नहीं क्योंकि भाई गाड़ी में जगह नहीं थी, तो हम वो ना वो भी ले लेते। उन भाई ने बोला है कि मतलब अगर तुम थोड़े टाइम बाद आओगे ना तो तुम्हें बोलो लेना है इसके लिए, आप घर पैक करा ले, बोल ले लो। तो भाई चलो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, तो भाई ये लोग भी खा के फुल हो चुके हैं। हाँ भाई पीयूष मजा आया आज भाई? मोमोज कैसे लगे भाई? एक नंबर के तो बोल रहा भाई, 2-3 प्लेट खाएगा है भाई पीयूष भाई, इतना तगड़े मोमोज है खा के बटर वाले भाई। जाके आप भी जाके देखना वहाँ पर, आपको रोड पे मिल जाएगा, मतलब फेमस है वाला। अभी तो भीड़ नहीं थी, अभी तो सावन चल रहा था, वहाँ गई गलती से वो चिकन मोमोज बोल देता है, पनीर मोमोज है वो। तो चलो वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अगर आपको पतंग के स्टैक्स की पूरी वीडियो देखनी है कि मतलब क्या क्या खरीदा, क्या क्या नहीं लिया मैंने, मतलब क्या क्या लिया है, और भाई 6 फुट की पतंग ली है कि नहीं, मैं उस वीडियो में ही दिखाऊंगा। क्योंकि भाई मैंने अगर मैंने बाद में शायद प्लान बन गया था मेरा, या बन अभी वापस जा सकता हूँ वापस से मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।